अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो के अंदर मैं RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच को Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच के साथ कंपेयर करने वाला हूं। देखते हैं हमारे पास कौन सी स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्मार्ट वॉच बाई करनी चाहिए 2022 के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात कर ली जाए दोनों स्मार्ट वॉचेस की शेप के हवाले से, तो आपको रेक्टेंगुलर शेप RS 4 प्लस की देखने को मिल जाती है, जबकि राउंड शेप आपको Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच की मिल जाती है। डायमेंशन के ऊपर नजर डालें तो 11.1 मिलीमीटर की थिकनेस आपको हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच की मिल जाती है, जबकि 9.8 मिलीमीटर की थिकनेस आपको Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच की मिल जाती है। 57 ग्राम का वेट आपको RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच का मिल जाता है, जबकि 48 ग्राम का वेट आपको Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच का मिलता है। कलर्स के हवाले से बात करें तो ब्लैक, सिल्वर और पिंक तीन कलर आपको RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के मिलते हैं, जबकि ब्लैक कलर आपको Mi Pro Lite के अंदर प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ एक ही कलर आता है Mi Pro Lite का। अगर यहाँ पे डिस्प्ले के हवाले से बात करें तो 1.78 इंचेस का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन के साथ आपको हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाता है, जबकि 1.3 इंचेस का एमोलेड पैनल Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करती है। 368x448 पिक्सल की रेजोल्यूशन आपको RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाती है, जबकि 360x360 की पिक्सल रेजोल्यूशन आपको Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाती है। और इसके अलावा बात कर लें अगर यहाँ पे कंपेटिबिलिटी के हवाले से, तो एंड्रॉयड और iOS दोनों स्मार्टफोन्स के लिए आपकी स्मार्ट वॉच कंपेटिबल मिलती है। जबकि अगर बात कर लें यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर की, तो आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको वर्जन 5.1 तक की ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाती है। GPS, NFC और ब्लूटूथ कॉलिंग आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये तीन फीचर्स नहीं प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स मोड के हवाले से बात करें तो 105 मल्टी स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाते हैं हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर, जबकि 15 मल्टी स्पोर्ट्स मोड आपको Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाते हैं। हार्ट रेट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और IP68 तक की वाटरप्रूफ रेटिंग आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। थर्मोमीटर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर, जबकि Mi Pro Lite के अंदर ये वाला फीचर अभी प्रोवाइड नहीं किया गया। इसके अलावा बात कर लें दोनों स्मार्ट वॉचेस की लुक के हवाले से, दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यारी देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा बड़ा साइज आपको रेक्टेंगुलर हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि राउंड शेप Mi Pro Lite की देखने को मिल जाती है। साइड एंट्री रिमाइंडर, स्लीप मॉनिटर, अलार्म, बैरोमीटर, ब्राइटनेस एडजस्टिंग के एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाते हैं। बैटरी कैपेसिटी के ऊपर नजर डालें तो 230 mAh की बैटरी आपको 7 से 10 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर, जबकि 230 mAh की बैटरी सेम तकरीबन Mi Pro Lite के अंदर प्रोवाइड की गई है, जो कि 5 से 8 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन नेम के हवाले से बात करें तो जिसको यूज़ करते हुए आप मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो हेलो फन एप्लीकेशन करेंगे हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के साथ, जबकि Mi Pro Fit एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है अगर आप Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच यूज़ करेंगे। दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको सिलिकॉन के स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे आखिर में बात कर लें हम दोनों स्मार्ट वॉचेस की प्राइस के हवाले से, तो 10,000 की प्राइस आपको तकरीबन देखने को मिल रही है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच की, जबकि Mi Pro Lite स्मार्ट वॉच की प्राइस आपको तकरीबन 7,000 के राउंड बोर्ड देखने को मिल जाती है। तो दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको सारे डिफरेंसेस पता चल गए होंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आखिर में अगर बात करें प्रोज और कॉन्स के हवाले से, तो आपको प्रीटी कूल डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। 1.78 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले रखा गया है हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच के अंदर, जबकि 105 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। 6 तरह के हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। 100 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं। जबकि कॉन्स के हवाले से बात करें तो स्विमिंग के लिए हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच सूटेबल नहीं देखने को मिल जाती, जबकि अगर बात कर लें हम यहाँ पे Mi Pro Lite की, तो स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 4 तरह के हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम रखे गए हैं, 15 मल्टी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, कस्टमाइज फेसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर भी कॉन्स के अंदर आपको स्विमिंग के लिए सूटेबल
नहीं देखने को मिल जाती मी ब्रो लाइट, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक आप इसको वाटर के अंदर नहीं ले जा सकते। स्प्लैश प्रूफ रेटिंग तो आपको मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा आपको स्विमिंग के लिए ये दोनों स्मार्ट वॉचेज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो ये था ओवरऑल डिफरेंस दोनों स्मार्ट वॉचेज़ का। हेलो RS 4 प्लस स्मार्ट वॉच थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिल गया है, थोड़ा सा डिज़ाइन भी आपको मुख्तलिफ देखने को मिल जाता है। अगर आप राउंड शेप पसंद करते हैं तो आप मी ब्रो लाइट को कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है और ओवरऑल इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये था ओवरऑल दोनों स्मार्ट वॉचेस का कंपैरिजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।